जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड में दो ही लोग व्याप्त हैं, एक तो देवता और एक असुर। जब हम बुरा सोचते हैं, जब हम किसी के प्रति घृणा का भाव लेकर आते हैं, तो हम असुरों को प्रबल करते हैं। क्योंकि जो भी नेगेटिव विचार हमारे मन में आ रहा है, नेगेटिव सोच मन में आ रही है, उससे जो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है वो असुरों का भोजन है। असुर पुष्ट होते हैं। और देवताओं को पुष्ट करने के लिए हमारे उसमें विधान था यज्ञ का। यज्ञ जो है, यज्ञ में जो आहुति चढ़ती है, आहुति देते हैं, वो भोजन है, वो पुष्टि देता है देवताओं को। और देवता अगर पुष्ट होंगे तो मानव का कल्याण होगा, इसलिए यज्ञ का विधान था। अब आजकल यज्ञ तो हो नहीं रहे और यज्ञ का इतना ज्ञान भी लोगों के पास नहीं है, तो दूसरा पुष्ट करने का, देवताओं को पुष्ट करने का तरीका है संभवी। तो सारे देवता जो है, जो बोलते हैं ना, प्रजापति से लेके इंद्र से लेके वरुण लेकर अग्नि देवता, वो सब उन्हीं सारे देवताओं का ध्यान करते, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सब का ध्यान करते हुए जब आप संभवी भेजते हैं तो वो देवलोक पुष्ट होता है। देवलोक पुष्ट होगा तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगे, और अगर असुर पुष्ट होंगे तो आपदाएं और कष्ट आएंगे। तो आप संभवी जब भेजते हैं तो देवताओं को पुष्ट करते हैं, तो उनका ध्यान लगा करके उनको करना है। उसके पश्चात अपना जो इष्ट है उसका ध्यान करना है, उसके बाद अपने गुरु का, और जितने सिद्ध हैं सारे सिद्धों का, सारे महर्षियों का ध्यान भर करना है। और जैसे ही आप करते हैं, आपके तीसरे नेत्र से जो संभवी प्रवाहित हो रही है वो वहाँ तक पहुँचती है। और जब आप उनको कुछ भी भेजते हैं तो वो ये नहीं कि उनको मिल गया, उन्होंने ले लिया, रख लिया, प्रसन्न हो गए। उनका जो विधान है, अगर आपने इतना सा भेजा है तो वो इतना सा आपको भर के वापिस भेज देते हैं। तो जब आप देवताओं को पुष्ट करते हैं तो उनकी असीम कृपा तुरंत आप तक पहुंचती है। अब देवताओं को प्रसन्न करने से मनुष्य को संसारिक सुख मिलते हैं। जो जितने भी देवी देवता होते हैं, हवन यज्ञ, इसीलिए राजा लोग और वो सब अश्वमेघ यज्ञ और पता नहीं क्या क्या, संसार के सुख सारे जो हैं वो देवताओं को पुष्ट करने से वो प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात इष्ट अपना गुरु और सिद्धों को, शिव को जब आप प्रसन्न करते हैं तो अध्यात्म और मोक्ष मिलता है उनकी कृपा से। तो आपने संसार को भी मांग लिया उनको देख करके, और आपने अध्यात्म और मोक्ष को भी मांग लिया उनको देख करके। तो वो ध्यान करते हुए, गहरी सांस लेते हुए, मंत्र करते हुए जब आप शंभवी भेजते हैं तो जीवन में सुख आपके आने शुरू हो जाते हैं।